तो वडोदरानी मकरपुरा जीआईडीसी में फायर सेफ्टी नो अभाव जोवा मळ्यो। युनिटो में नथी फायर सेफ्टी की कोई पण सुविधा। लोखंड कटिंग माटे थाय छे गैस कटर नो उपयोग। गैस कटर थी लोखंड कटिंग छता पण फायर सेफ्टी की सुविधा नो अभाव जोवा मळ्यो। फेक्टरीओ में जोखमी रीते कामदारों काम करी रह्या छे। बे गैस का ये न्यूज वाले जो है ना, मेरी बात सुनो, बराबर लिखो, बराबर लिखो, बराबर लिखो, पास दूर रखो, मैं बताता हूँ, बोलो। फायर सेफ्टी ये पास सेफ्टी नहीं रखता था कंपनी में, ये खाली भंगार करता है, थोड़ा आता है थोड़ा चला जाता है। ये डबल क्लोज करने की कोशिश मत करो। है कौन सी फायर ब्रिगेड यहाँ पर? फायर सेफ्टी की मंजूरी है ना, फायर ब्रिगेड का बोर्ड रखे थे, फायर सेफ्टी की मंजूरी इन तारीख देख लो, दिखाओ दिखाओ तारीख, दिखाओ तारीख, दिखाओ तारीख, दिखाओ। किसने भेजा तुम्हारे को तारीख? देखो परमिशन किसका है? परमिशन किसका नहीं, तुम जो करना करो, परमिशन किसका है तुम्हारे को? तुमने इंटरव्यू लिया क्यों? चलाने का परमिशन किसने दिया? मेरे पास लाइसेंस जीएसटी भरता हूँ, जो तुम यहाँ रोड पे चल रहे हो उसकी जीएसटी भरता हूँ मैं, जीएसटी भरता हूँ, गवर्नमेंट जीएसटी भरता हूँ। आलू चलो समझो क्या है तुम लोग, जीएसटी नंबर है, जीपीसीबी नंबर है, क्यों बताओ मैं तुम्हारे को? इसलिए बताओ, इसलिए बताओ, बताओ डीजल बताओ, कौन कौन आग लगी? कार लगी, ये फैक्ट्री नहीं है, ये स्क्रैप धंधा है, स्क्रैप का धंधा। आप गैस का यूज कर रहे हैं? गैस बॉटल है, ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल है, गैस का यूज कर रहे हैं? फायर सेफ्टी चाहिए इधर, क्यों नहीं लिया? ले 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 ले। अमदावाद में बनेली आगनी घटना बाद फेक्टरीओनी अंदर केवा प्रकारनी व्यवस्था छे फायर सेफ्टी ने लईने, एने लईने अनेक सवाल उभा थई रह्या छे। जीपीसीबी ना अधिकारीओ ऊपर पण प्रश्न उभा थई रह्या छे। अमे अत्यारे मकरपुरा जीआईडीसी में आव्या छीए, अहींया 4000 करता नाना मोटा युनिटो आवेला छे। आप जोई रह्या छो आ कापड़नुं ट्रेडिंग सेंटर छे, अहींया कापड़नो जत्थो भेगो करी अने वितरण करवामां आवी रह्युं छे। अहींया कोई जग्याए फायर सेफ्टीनी व्यवस्था नथी, चेकिंग थाय छे के केम एक सवाल छे। कारण के मामलो ए छे के ज्यारे इंडस्ट्री चाले छे, अनेक लोको काम करता होय छे, मजूरो काम करे छे, सेवटे मजूरो ज भोग बने छे। फेक्टरीमां मशीनरी चाली रही छे, मोटा भागनुं लोखंडनुं काम छे, जॉब वर्क अहींया चाली रह्युं छे, परंतु जे रीते फायर सेफ्टीनी व्यवस्था थवी जोईए नथी। कारण के बधुं इलेक्ट्रिक ऊपर चाली रह्युं छे, एटले एना अनુસંધાને પણ ફાયર સેફ્ટી હોવી જરૂરી છે, પરંતુ અહીંયા ક્યાંય દેખાતું નથી। ફાયર સેફ્ટીને લઈને સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે ફાયર લાગે છે ત્યારે સેવટે તપાસના આદેશ આપવામાં આવે છે, પરંતુ જીપીસીબી કંઈ અથવા તો ફાયર વિભાગ છે ચેકિંગ કરે છે કે કેમ એની એનઓસી લેવામાં આવે છે કે નહીં। અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો અહીંયા પણ કોઈ પણ પ્રકારના ફાયર સેફ્ટીના સાધનો નથી। ગેસનો બોટલ પણ છે, જે ગેસ કટિંગ માટે લોખંડ કાપવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે, એ પણ અહીંયા છે, પરંતુ આની ગુણવત્તા અથવા તો આને લઈને કોઈ જે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ નથી। અનેક જગ્યાએ સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે આટલા મોટા શેડ છે એની અંદર મજૂરો કામ કરી રહ્યા છે, જે લેબર કામ કરે છે એમના પણ જીવનું જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે। હાલ જે આપ રિયાલિટી જોઈ રહ્યા છો, સ્થિતિ એ છે કે ગેસથી અથવા તો જે આગની ઘટના બને છે એનાથી બચવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા છે કે કેમ, એ એક મોટો સવાલ છે। અહીંયા મોટા ભાગની જે ફેક્ટરીઓ છે એમાં એનઓસી નથી, ફાયરની જે સુવિધા હોવી જોઈએ જે ફાયર સેફ્ટી માટેની એ જોવા મળતી નથી। કેમેરામેન જયંતિ સોલંકી સાથે માનુ ચાવડા, VTV ન્યૂઝ, વડોદરા।